हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, भारत के अंदर लगभग 21 सरकारी बैंक है और उन 21 सरकारी बैंक्स के अंदर भी बहुत सारे कॉरपोरेट बैंक और उनके बहुत सारे छोटे बैंक्स हैं। तो भारत सरकार इन सभी बैंकों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रही है और इसी के तहत भारत सरकार ने लोकसभा में एक बिल पारित करने वाली है कि लगभग भारत के अंदर बहुत सारे सरकारी बैंकों को बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह केवल कुछ 4-5 बैंकों को ही रखा जाएगा। तो ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है बैंकों को मर्जर करने का और इसके ऊपर बहुत जल्द ही फैसला आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से बैंक बंद होने वाले हैं। भारत सरकार फिलहाल 9 सरकारी बैंकों को बंद करने के बारे में सोच रही है। तो क्या आपका भी है उन बैंकों में खाता? अगर वो बैंक बंद हो जाएंगे तो उसका आप पर क्या असर पड़ेगा और आपने क्या करना है और ये कैसे पता चलेगा कि आपके बैंक बंद हो रहे हैं और बैंक मर्जर से आज मैं आपको सारी खबर बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब पर ही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने फिलहाल में ही 1 अक्टूबर को 6 बैंकों को बंद कर दिया, यानी कि 6 बैंकों का विलय कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। इन बैंकों के अंदर जो मुख्य बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, भारतीय महिला बैंक। तो भारत सरकार ने इन सभी 6 बैंकों का विलय कर दिया गया है, यानी कि ये इन सभी बैंकों की पासबुक और IFSC कोड अब काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये बैंक बंद हो गए हैं, यानी कि इन बैंकों को अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत के सबसे बड़े बैंक के अंदर इनका मर्ज कर दिया गया है। और भारत सरकार और भी बड़े बैंकों को यानी कि और भी बहुत सारे सरकारी बैंकों को बंद करने के बारे में सोच रही है। तो भारत सरकार ये चाहती है कि भारत के अंदर सिर्फ कोई 4-5 बड़े यानी वैश्विक स्तर पर बैंक हो, यानी कि जैसे भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन्हीं की तरह ही भारत सरकार को 4-5 बैंकों को चाहती है। और भारत सरकार बाकी बैंकों को बंद करके इनका इन बड़े बैंकों के अंदर मर्जर कर देगी। यहाँ पर बैंकों के बंद होने का मतलब बिल्कुल बंद होने से नहीं है, यहाँ पर भारत सरकार उन बैंकों का मर्जर कर देगी, यानी कि उन सभी बैंकों को जो बंद होने वाले हैं उनको इन बड़े बैंकों के अंदर मिला देगी। और जो बैंक बंद होने वाले हैं उनके अंदर जो छोटे सरकारी बैंक हैं वो बंद होंगे, यानी कि उन सभी बैंकों का मर्जर कर दिया गया जाएगा। और इन बैंकों का मर्जर होने के बाद जो उन बैंकों की पासबुक है और जो उनके IFSC कोड है वो काम नहीं करेंगे। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक बंद हो रहा है? ये आपको बैंक वाले खुद ही नोटिफिकेशन से या आपको न्यूज़ से पता चल जाएगा। फिलहाल ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि कौन से बैंक बंद होने वाले हैं, ये काम अभी फ़िलहाल पेंडिंग में पड़ा है। तो फिलहाल भारत ने सिर्फ 6 बैंकों को ही बंद किया है जो 1 अक्टूबर को SBI के अंदर विलय हो गए थे। और भारत सरकार और भी 8 बैंकों को बंद करने वाली है। तो भारत सरकार इन भारत के अंदर लगभग अभी 21 बैंक और बड़े बैंक हैं सरकारी बैंक, तो भारत सरकार इन सभी बैंकों को बंद कर देगी। तो पहले चरण के अंदर भारत सरकार 9 सरकारी बैंकों को बंद करेगी और उसके बाद भारत सरकार कुछ और बैंकों को भी 7-8 बैंकों को उसके बाद बंद कर देगी, यानी कि इन सभी बैंकों का मर्जर कर कुछ 4-5 बड़े बैंक बनाए जाएंगे। तो फिलहाल जो भारत के अंदर सबसे बड़ा बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा, इनके अंदर इसका विलय कर दिया जाएगा। और इससे आपको असर होगा कि आपके पास जो पासबुक है और जो उसके अंदर IFSC कोड है वो सभी चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये काम अभी लोकसभा के अंदर पेंडिंग में पड़ा है, यानी कि जो छोटे स्तर पर सरकारी बैंक है उनका विलय कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और उनका विलय कर बड़े सरकारी बैंकों के अंदर विलय कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका बैंक बंद होगा तो फिलहाल इसके लिए बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो आपको हमारे चैनल पर पता लग जाएगा और साथ ही में बैंक वाले भी आपको नोटिफिकेशन से आपको बता देंगे। तो आपको ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ अपनी पासबुक को चेंज करवाना है। बैंक बंद होने से आपका उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपके खातों को वही रखा जाएगा, सिर्फ आपकी पासबुक को अपडेट कर दिया जाएगा, तो इससे आप पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जब बैंक फिलहाल ये काम पेंडिंग में पड़ा है और ये काम कभी भी कंप्लीट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।